सीरियल नागमणि में जो चुड़ैल है ना, उसकी ताकतें बढ़ती जा रही हैं और उसी के चलते लीजिए उसने तो हल्ला बोल कर दिया है पारों पर। चुड़ैल पारों के हाथ लग गए सरदार जी। रूपा जो सरदार जी बनकर अपनी बेटी के लिए यहाँ पर आई है, लगता है चुड़ैल ने इसका सच जान लिया है, इसलिए उसका गला पकड़ लिया है, उसे हवा में ऊंचा उठा दिया है। शौक है ना तुझे पेपर फाड़ने का? दीवार से चिपकाकर उसे गिरा भी दिया है। लगता है उसे पता चल गया कि ये सरदार जी कोई और नहीं बल्कि नागिन रूपा है या फिर पारो। कुछ भी बन जाए वो मोहिनी के अगेंस्ट ही रहती है और मोहिनी को उसके किए की सज़ा देने के लिए, सबक सिखाने के लिए सारे जो है काम करती है। तो मोहिनी को इस बात का बुरा लग जाता है और पारो किसी भी रूप, नागिन किसी भी रूप में आ जाए, मोहिनी को सताना ही सताना है उसको। तो इसलिए मोहिनी मुझे अभी बीच में से भाड़ने की कोशिश कर रही है, जैसे मैंने पेपर भाड़ा था। ओह, तो सरदार जी ने चुड़ैल मोहिनी के कुछ पेपर्स फाड़ दिए, इसी का गुस्सा वो उतार रही है। पारो 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 से रूपा बनी, रूपा से वो बल्लू बनी है। हमेशा वो सब कुछ, पारो हमेशा सब कुछ अपने परिवार के लिए करती है। तो वो पारो का बदला लेने के लिए रूपा बनी थी और रूपा का बदला ले, रूपा के साथ जो हुआ उसका बदला लेने के लिए, अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए बल्लू सिंह बनी। लेकिन जब सरदार जी ने मोहिनी से पूछा कि आप जादू टोना करते हो, आप चुड़ैल हो, तो वो चांटा मार के निकल गई। शुक्र है मोहिनी को अभी तक ये नहीं पता चला है कि सरदार जी के भेस में ये नागिन है जो अपनी छोटी नागिन को बचाने के लिए कोशिश कर रही है। अगर ये पता चल जाता तो ये छोटी सी लड़ाई युद्ध में तब्दील हो जाती। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।